गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन एंड आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली सो राइट नाउ मैं हूं जस्ट चाय पीने आया तो फिलहाल चलता हूं आसपास घूमता हूं आज कुछ ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया आज मैं बाहर नहीं निकला हूँ बस रूम में था ज़्यादा इधर उधर नहीं घूम रहा था क्योंकि आज जाना है हम लोग रिटर्न उस और तो रात को 12:30 बजे अराउंड ट्रेन है अभी थोड़ा आसपास कुछ आज काम नहीं है बस दिन भर रूम में सोया इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं किया हूँ मैं अभी जस्ट अपने जो होटल के पास आसपास है वहीं चल रहे हैं और आगे तो आज और कल का मतलब आज दोपहर से स्टार्ट किया हूँ व्लॉग आज और कल का मैं दोनों मिक्स करके व्लॉग डालूँगा रोड जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है मेरा आवाज़ आपको हल्का दबा हुआ लग रहा होगा क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो चुकी है सिर जोर दर्द ही रहे और ब्लॉग कैसे निकाल रहा हूँ मैं कहीं तो टाइम पास करना था तो आ गया रेलवे पुल साइड अभी बैठ के इधर उधर टाइम पास करते हैं जो ट्रिप था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था आई होप ब्लॉग भी उतना ही एक्साइटिंग बना होगा कुछ काम नहीं था हम लोग का तो इसलिए घूमते फिरते आ गए रेलवे पुल साइड इतना प्यारा व्यू था इतना प्यारा सनसेट था तो आप व्लॉग में देख ही रहे होंगे अभी तो फिलहाल व्लॉग एंजॉय करो टाइम पास हो गया ख़त्म अब चलते हैं रूम साइड यार क्योंकि 12:30 बजे रात को ट्रेन है 12:30 अराउंड 11 बजे आसपास स्टेशन आया स्टेशन उस साइड है घूम के जाना पड़ेगा उसको और आई होप आपको व्लॉग जो सीरीज़ है वो अच्छी लगी होगी ये जो व्लॉग है ये शायद एक दिन बाउंस होके जाएगा लेकिन मैं बोल नहीं सकता शायद मैं कल शाम तक ये व्लॉग डाल दूँगा कोशिश करूँगा कि कल शाम तक व्लॉग डाल दूँ हम लोग सीधा गए रूम फटाफट पैक किए और निकल पड़े रेलवे स्टेशन के लिए ये कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन बहुत ही साफ सुथरी ये सिटी है और एकदम ही अच्छी जगह है ट्रेन का टाइम हम लोग ट्रेन के टाइम से अराउंड 1 घंटे पहले आ गए मैं आप कहीं भी ट्रेन से ट्रेवल करो तो प्लीज़ 1 घंटे पहले आकर रेलवे स्टेशन में रहना वहाँ आपको जो प्लेटफॉर्म नंबर ये सब का झंझट वहाँ नहीं रहेगा तो हम लोग 1 घंटे पहले आ गए थे बैठे हमारी ट्रेन थे अराउंड 12:32 को रात में और सुबह पहुँचने वाली थी मतलब अगले दिन रात को पहुँचने वाली थी 8 बजे चेकआउट द ऑल रूम और सब काम जो था वो ख़त्म किए इट्स टाइम टू गो द होम और हम लोग अभी चढ़ेंगे 12:30 बजे रात को तो पहुंचेंगे कल रात को 8 बजे मतलब अराउंड 20 घंटे की जर्नी होने वाली है तो ये ब्लॉग एक दिन स्किप करके आएगा अभी तो फ़िलहाल चलते हैं रात का टाइम है मैं ज़्यादा शूटिंग करूँगा अब सोऊँगा मैं ट्रेन की जर्नी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है मैं जस्ट अपने विंडो के पास बैठा था तो सुबह उठा और इतना प्यारा सनराइज़ हो रहा था ना तो मैं फटाक से फ़ोन निकाला और कैप्चर करने में बैठ गया और मुझे इतनी ज़्यादा आ रही थी मैं अराउंड 20 घंटे में 2 घंटे ही सोया था और बाकी टाइम में नहीं सो पाया ट्रेन में उतनी नींद भी नहीं आती और इतना प्यारा सनराइज़ मैंने देखा ही नहीं था और बाय द वे महाराष्ट्र साइड अपने छत्तीसगढ़ साइड से टाइम जोन थोड़ा सा चेंज जैसे हमारे यहाँ 6:39 को सनराइज़ होता है उस साइड 7:10 यानी 7:10 में सनराइज़ हो रहा है तो मैं पहले उठ जाता था मेरे को टाइम का थोड़ा डिफरेंस लगता था ट्रेन में जो है आपके नए नए और फ्रेंड्स बनते हैं आप सामने वाले से बात करते हो तो थोड़े और फ्रेंड्स बनते हैं हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ सो फिलहाल तो अभी पहुँचे हैं हम नागपुर नागपुर से और 450 किलोमीटर रहती है रायगढ़ तो नाइट टाइम भी हम लोग पहुँचेंगे 8:30 बजे रायगढ़
सो फाइनली वी आर इन रायगढ़। सो फाइनली हम रायगढ़ पहुंच चुके हैं। रात का टाइम था, ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया हुआ हम, तो अभी तो फिलहाल घर चलते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर व्लॉग एंड करते हैं। सो फाइनली आई एम बैक टू होम, अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ गया हूँ। और यार ट्रिप में बहुत मज़ा आ गया, आशा करता हूँ कि आपको व्लॉग में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा जिस ट्रैवल सीरीज़ में। मैं सोच रहा था 5 डे व्लॉग करूँगा, लेकिन एक दिन मैं स्किप कर दिया, मतलब एक दिन था उसको तो मैं पूरी तरह से सोया, शाम को व्लॉग स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि इसको 2 दिन का मिक्स करना चाहिए, तो मैं 2 दिन मिक्स किया। और कल रात को मैं बहुत लेट आया, उसलिए व्लॉग नहीं किया, और मैं स्टेशन में ज़्यादा रुका भी नहीं था, इसलिए स्टेशन में भी व्लॉग नहीं किया। ज़्यादा टाइम तो आप स्टेशन देखे थे, इसलिए मैं ज़्यादातर वहाँ नहीं रुका और व्लॉग नहीं किया। भैया लेने आया था स्टेशन में, और हमारी गाड़ी आई अराउंड 8:30 बजे, तो हम लोग आसपास 9:30-9:30 आसपास हम लोग घर आ गए थे। तो मैं सोचा कि नेक्स्ट डे करते हैं व्लॉग इसका। और हम लोग जिस ट्रेन से आए थे उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब मुंबई से चलती थी, मुंबई से हावड़ा वाली ट्रेन थी, हावड़ा मेल, उस ट्रेन से आया। 3rd AC में बुक था, मैं बोल दिया, और काफ़ी लोग ने मुझे इंस्टाग्राम में बोला था कि प्राइस रेटिंग बताओ। तो प्राइस तो मैं आपको अब कैसे बताऊं, देखो वहाँ का प्राइस हमेशा अप डाउन होते रहता है, कब 1000 रुपये होगा तो कब 2000 होगा, कब 500 भी हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो में प्राइस नहीं बताता हूँ। अगर आप मेरे भरोसे वहाँ प्राइस, मैं जैसे बोल दिया कि होटल रूम है 2000 रुपये, आप वहाँ मेरे भरोसे चले गए कि हाँ भाई इस रूम में तो इस होटल में 2000 रुपये में, अब वही बंदा आपको बोलेगा 2100 रुपये आपको चार्ज लगेगा, तो वही है, उसीलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ प्राइसिंग के बारे में। और ट्रिप में बहुत मज़ा आया, व्लॉग ऑलवेज मैं डेली किया हूँ, कोशिश किया हूँ डेली, अब नेक्स्ट सीरीज़ भी कुछ इंटरेस्टिंग बनाऊँगा। सो अभी तो फ़िलहाल व्लॉग को यही एंड करने का टाइम आ गया है ना, और आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू एंजॉय दिस व्लॉग दैट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नया हो तो नीचे लाल कलर का प्यारा सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब हो जाना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको स्क्रीन पर आईडी दिख रहा होगा। सो विद दैट सेड एज ऑलवेज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्लिक द शो लिंक एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, होपफुली सब खैर, बाय बाय, एडियोस अमिगोस, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को रेगुलर वॉच किया है इस सीरीज़ को, तो उनके लिए तो स्पेशल थैंक्स, जिन्होंने लाइक किया तो थैंक्स, लाइक किया बिना इस वीडियो को मत जाना, क्योंकि एक व्लॉग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और मैं कैसे करके मेरा व्लॉग बनाया हूँ मैं जान रहा हूँ। एक तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था वहाँ, क्योंकि हम लोग को हर जगह घूमने जाना है, सुबह जल्दी उठो, व्लॉग स्टार्ट करो, व्लॉग दिन भर व्लॉग करो, और रात को सोने से पहले एक बार एडिट करो। एडिट करने के मेरा अराउंड 2 से 3 घंटे मेरे चले जाते थे, एडिट कर रहा था, रात को 11 बजे सोता था, फिर सुबह 5 बजे मेरे को उठना पड़ जाता था, नहा धो के फ्रेश होकर फिर निकलते थे हम। तो ऐसा तो कुछ था मेरा जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, होपफुली शबा खैर, बाय बाय।